मऊगंज बीजेपी विधायक को जेल भेजे जाने या फिर अनिश्चितकालीन के लिए नजरबंद किए जाने के संबंध में समाजवादी पार्टी ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह ने कहा कि विगत कई दिनों से मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल जिले सहित प्रदेश का अमन चैन खराब करने में आमादा है। जिस मामले को विधायक राजनैतिक एवं धार्मिक तोल दे रहे हैं वह मामला न्यायपालिका में लंबित है, प्रशासन के संज्ञान में भी है। विधायक के खिलाफ मामले भी पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके बाद भी विधायक को जेल न भेजकर शासकीय रेस्ट हाउस में रखा गया है। विधायक द्वारा बार बार कानून तोड़ा जा रहा है, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विधायक को या तो शीघ्र जेल भेजा जाए या फिर अनिश्चितकालीन समय तक के लिए नजरबंद रखा जाए, अन्यथा कोई भी अप्रिय वारदात होने पर विधायक स्वयं एवं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। आइए आपको सुनाते हैं शिव सिंह ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। शिव सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिव सिंह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल भेजो, जेल भेजो, मऊगंज विधायक को जेल भेजो, जेल भेजो, मऊगंज विधायक को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज डीआईजी साहब के पास आएंगे क्या जा रहे हैं? ये विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल लगातार मऊगंज के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी को जो जानकारी है कि वो जिस मामले को लेकर के कई दिनों से यहाँ माहौल खराब किए हुए हैं, वो मामला न्यायालय के संज्ञान में है, प्रशासन के संज्ञान में है। उनको न्यायालय के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन उनका ये कर्तव्य नहीं है कि आप हथौड़ा और कुदाड़ी फावड़ा लेकर के और आप जा कर के वहाँ पर किसी के घर गिराएं, दीवार गिराएं। तो समाजवादी पार्टी यह मांग करती है कि तत्काल विधायक को, उनके खिलाफ़ तो कई मामले भी लगाए गए हैं, एक किसी साधारण आदमी के पास मामला लगा दिया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि उनको सरकारी रेस्ट हाउस में बार बार रखा जा रहा है और उसको कहता है प्रशासन की ये जेल है। तो हम मांग करते हैं डीआईजी साहब को, हम ज्ञापन देने हैं, हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल जेल में डाला जाए और अनिश्चितकालीन के लिए उनको जो है नज़रबंद किया जाए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यदि कोई भी अप्रिय वारदात होती है तो उसके लिए विधायक स्वयं और यहाँ का प्रशासन ये सारा जिम्मेदार होगा। किस तरह की बातें करते हो, भड़काऊ जैसे बयान बयान देते हैं और यहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। और मेरा ये भी आरोप है कि पूरी प्रदेश सरकार चुप बैठी है। हमारा ये भी आरोप है कि प्रदेश सरकार का पूरा उनको संरक्षण है, नहीं तो उन्हें इतनी देर जेल में होना चाहिए। अभी कल रात में दोबारा गिरफ्तारी हुई फिर से। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक बार उनको छोड़ा गया, उनके खिलाफ मामले लगाए गए, इसके बाद फिर से उनको छोड़ दिया गया, फिर वो वहाँ पर पहुँच गए। अभी मैं मीडिया का समाचार सुन रहा था, उन्होंने कहा कि फिर मैं छूटूंगा तो 500 लोगों को लेके जाऊंगा। ये कौन सी बात है? इससे अमन चैन बिगड़ेगा रीवा का और न्यायालय के फैसले का इंतज़ार होना चाहिए, प्रशासन सक्रिय हो जाए। यदि प्रशासन के बस की बात नहीं है तो समाजवादी पार्टी को सौंप दें विधायक को, हम उनके लिए कोई बाड़ा बनवा देंगे और वहाँ रख के सुरक्षा करेंगे और उनको नज़रबंद रखेंगे। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590-999-731-7817 or you can visit us on the address Mount Era Convent School near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.